welcome back guys to my channel. अभी मैं हूँ हावड़ा स्टेशन में और अभी मैं एक्चुअली कॉलेज से आ रहा हूँ, तो सोचा जब जल्दी छुट्टी हो गया हावड़ा ब्रिज का ब्लॉग बना लेता हूँ, ऐसे भी मुझे बनाना ही था, तो चलिए स्टेशन ही से शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल है स्टेशन, ट्रेडिशनल स्टेशन। सो गाइस दिस इज हावड़ा स्टेशन। अभी यहाँ से हावड़ा ब्रिज आप देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ से निकल के अब जा रहा हूँ। कलकत्ता में एक जमाना हुआ करता था जब पीला टैक्सी चलती थी, अब सिर्फ वाइट वाइट ऑर्बिट वाइट मतलब अभी सिर्फ यूबर और ओला ने इसकी पूरा कब्जा कर लिया है, पीला टैक्सी अब दिखता ही नहीं है। अभी भी स्टेशन से गुजर रहा था सिर्फ वाइट वाइट कार। सब कलकत्ता का हेरिटेज धीरे धीरे, पुराना चीज़ें जा रहा है, नया चीज़ें आ रहा है डेवलपमेंट की तरफ, बट ठीक है थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए। ये हावड़ा ब्रिज का सीरीज़ मैंने 2-3 दिन में शूट किया है, तो हो सकता है मैं आपको 2-3 कपड़े में स्विच दिखूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हावड़ा ब्रिज के कुछ फैक्ट्स, जो शायद ही आपको बताऊं। ये आप देख सकते हैं कैसे पूरा हावड़ा ब्रिज को गंदा करके रखा है, सब चारों तरफ गंदगी फैला है, पूरे वेंडर्स लोग खड़े पड़े हैं ब्रिज पर, एक अलग ही माहौल है। यहाँ पे सब्जी मार्केट लगा है, कपड़े बेच रहे सब, और कहीं मिलेगा आपको ऐसा? ये जस्ट हावड़ा ब्रिज के नीचे पूरा मार्केट लगा है। तो गाइस सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ हावड़ा ब्रिज की हिस्ट्री से, मैं आपको बता दूँ ये एक्चुअली 1874 में हुगली नदी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाया, उसका नाम पड़ा हावड़ा ब्रिज, बट उस वक्त ये फ्लोटिंग ब्रिज हुआ करता था, तो जिसके कारण मरीन सी ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम आता था, मतलब कि मरीन ट्रैफिक दिक्कत होता था कुछ। इनफैक्ट जब फ्लोटिंग ब्रिज था तो वो एक्चुअली उसको साइड भी करना पड़ता था, जिसके वजह से ट्रैफिक बहुत फंसता था। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक कैंटीलीवर ब्रिज बनाना चाहिए, जो कि अभी आप देख रहे हैं, जो अभी हावड़ा ब्रिज है। हाँ, बाय द वे हावड़ा ब्रिज एक कैंटीलीवर ब्रिज है, जिसके नीचे एक भी पिलर नहीं है, मतलब कि सिर्फ कैंटीलीवर ब्रिज एक्चुअली होता वो है जो एक साइड से बेंड होता है, मतलब दो साइड से उसका सपोर्ट नहीं होता, एक साइड से उसका सपोर्ट होता है। तो इसलिए इस कैंटीलीवर ब्रिज बनाने का तय हुआ, बिल पास होते हुए बहुत वक्त लग गया। उसके बाद जब बिल पास हुआ तो ये 1936 में पहली बार बनना शुरू हुआ और 1942 तक ये बनकर रेडी हुआ, और फरवरी 1943 में पहली बार ये लोगों के लिए खोल दिया गया। ये पहली बार ट्रैफिक इस पर शुरू हुआ तो सबसे पहला गाड़ी जिस पर चला था वो था एक ट्रैम। जी हाँ, आज के दौर पे तो ट्रैम चलता नहीं है, उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट ये जब शुरू हुआ था उस वक्त इसमें ट्रैम भी चलता था, जो कि हावड़ा स्टेशन से लेकर राजा बाजार तक जाता था। 1942 में ये बनकर तैयार हुआ, तब इसका नाम रखा गया न्यू हावड़ा ब्रिज, क्योंकि जो पहले फ्लोटिंग ब्रिज हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था हावड़ा ब्रिज, बट उसके बाद जब ये बनकर रेडी हो गया कैंटीलीवर ब्रिज तो इसका नाम पड़ गया न्यू हावड़ा ब्रिज, बट आज भी ये हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और 14 जून 1965 में इसका नाम हमारे द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया, रविंद्र सेतु अभी इसका ऑफिशियल नाम है, बट आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। जिस वक्त हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस वक्त ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटीलीवर ब्रिज हुआ करता था, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कुछ नई कैंटीलीवर ब्रिज बनती गई, आज ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा कैंटीलीवर ब्रिज है। जिस वक्त ये फ्लोटिंग ब्रिज हुआ करता था उस वक्त इसकी चौड़ाई हुआ करती थी 62 फीट और लंबाई हुआ करती थी, जो कि आज भी उतनी है, 457 मीटर, क्योंकि लंबाई तो चेंज हो नहीं सकता है, तो इसकी लेंथ आज भी उतनी है 457 मीटर। और उस वक्त जब ये फ्लोटिंग ब्रिज हुआ करता था उस वक्त इसकी विड्थ हुआ करती थी 62 फीट, आज इसकी विड्थ उससे कई ज़्यादा है,
और इसकी अभी जब ये हावड़ा ब्रिज बन के तैयार हुआ तब से इसकी हाइट है 1050 फीट। लेकिन इसको बनाने में जो स्टील यूज़ हुआ है वो टिस्कॉन स्टील यहाँ के टाटा स्टील ने सप्लाई किया था, जो कि कोलकाता के 4 फैक्ट्रियों से सप्लाई हुआ था यहाँ। तो उस वक्त उस दौर में भी ब्रिटिश राज में भी यहाँ पे इंडियन स्टील ही यूज़ हुआ है। एक्चुअली ये हावड़ा सिटी और कोलकाता सिटी को एज कनेक्ट करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है, इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। दिस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ कोलकाता एंड दिस इज़ द गेटवे ऑफ कोलकाता। साइड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर आप स्टेशन की तरफ से आएंगे तो ये राइट साइड पड़ेगा। आधा कोलकाता यहाँ से पूरा दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्चुअली बोला जाता है कि हावड़ा ब्रिज कोलकाता को दो भागों में डिवाइड करता है, एक राइट साइड में न्यू कोलकाता, एक लेफ्ट साइड में ओल्ड कोलकाता। इससे आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि आप एक स्टेशन हो गया, एक मिलेनियम पार्क है, उधर प्रिंसेप घाट है, जो कि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस में आप देखेंगे, उसके बारे में फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। हर दिन यहाँ से 10 लाख व्हीकल्स गुजरता है और 15 लाख पेडेस्ट्रियन। दिस मेक्स द हावड़ा ब्रिज वन ऑफ द बिजिएस्ट ब्रिज इन द होल वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और सारे ब्रिजों में मिला के भी एक बहुत बिजी ब्रिज है। आप देख रहे हैं ये कवर्ड, पहले एक ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले ये पूरा खुला हुआ करता था, जैसे आप मेरे बहुत सारे फोटोज़ में देख सकते हैं। ये देखिए, पूरा कचरा फेंका है, किस तरह इंसान गंदगी फैलाते हैं हावड़ा ब्रिज में। गुटखा, तंबाकू, केला का छिलका अभी इसको बर्बाद कर रहे हैं। इंसान के गुटखा खाने की वजह से इस ब्रिज में जंग लगना शुरू हो चुका है। हर पिलर के पास आपको गुटखा मिल जाएगा, जैसे मेरे वीडियो में भी आपने देखा है कि मतलब ब्रिज पर कौन घूमता है यार। इसके वजह से जंग लगना शुरू हो गया, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि जितने भी पिलर्स है सबको ढाक दिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेन पिलर है कैंटिलीवर ब्रिज का, यानी कि जो दो साइड में, उसको भी बड़े बड़े शेड से ढक दिया गया है। जब ये गुटखा वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद एक और प्रॉब्लम आया कि ह्यूमन ट्रैफिक इसमें बहुत रुकता था, जिसकी वजह से इसकी हाइट्स को बढ़ा दिया गया है और इंसान गंदगी काफ़ी किया करते थे। जैसे अभी आपने देखा कि केला का छिलका फेंका हुआ था, चारों तरफ गुटखा फेंका हुआ है, जिसकी वजह से ब्रिज बर्बाद हो रहा है। ये हाइट बढ़ा दिया, फिर भी इंसानों ने गुटखा थूकना नहीं छोड़ा यहाँ पे। देखिए इतने ऊंचाई पे गुटखा फेंका हुआ है, शर्म करो यार। अब देख सकते हैं कैसे हावड़ा ब्रिज में चारों तरफ जंग लगना शुरू हो चुका है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द शीट ऑफ द बर्ड्स एंड तम्बाकू एंड गुटखा। अपना 75वां जन्मदिन मनाया था, उस मौके पे पूरे 2 महीने तक इस ब्रिज को बहुत ही अच्छे से सजा दिया गया था। मैं रोज़ गुजरता था, देखता था।
इस ब्रिज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ये सिर्फ कोलकाता में नहीं, ये देश विदेश में बहुत फेमस है। यहाँ पे साल भर 20 से ज़्यादा मूवीज़ का शूटिंग होता है, यहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज़ भी शूट हो चुकी है। हावड़ा ब्रिज के नीचे जो एक घाट है उस साइड में, कोलकाता के साइड में, उसको कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट हॉरर प्लेसेस भी कहा जाता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे टॉप 10 हॉरर प्लेसेस इन कोलकाता, तो हावड़ा ब्रिज के नीचे जो घाट है कोलकाता साइड में, उसके बारे में वो भी इस लिस्ट में आएगा। वो घाट आप देख रहे हैं, उसी घाट की बात कर रहा हूँ मैं, तो टॉप 10 हॉरर प्लेसेस ऑफ कोलकाता में आता है। 4 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे याद आ रहा है कि वो जो लॉन्चेस जाते हैं ना, तो एक लॉन्च का रॉड जो है जिसपे झंडा लगा रहता है, वो हावड़ा ब्रिज के में फंस गया था, वो निकल ही नहीं रहा था। 3-4 घंटा की मशक्कत के बाद लास्ट में उस रॉड को काटना पड़ा, तब जाके वो ब्रिज शिप पार हो पाया। 2014 या 2015 में यहाँ पे लाइट्स लगा था, जिसके बाद ये रात को भी इंसान इसी खूबसूरती को एंजॉय कर सके। जब भी कोलकाता की बात आती है, इंसान के दिमाग पे हावड़ा ब्रिज का ही स्ट्रक्चर आता है, अरे दूसरा एक विक्टोरिया का। सो दिस इज द आइकॉन ऑफ कोलकाता। लोग मुझे उतारते हुए वेस्ट ब्रिज, जैसे कि आपने बताया, बहुत ही चैलेंजिंग होता है ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में वीडियोज़ बनाना, बट मैं हूँ आर्टिस्टिक ताकि आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं आप सबको अवेयर करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था, ये हमारे एक धरोहर है, आप इसे नष्ट ना करें, ये धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। इंसान बहुत ही चारों तरफ गंदगी फैला रहे हैं, चारों तरफ, मतलब कि दुनिया का एक लौता ऐसा ब्रिज होगा जिसके चारों साइड में मार्केट्स लगा है, आप सोच सकते हैं। तो आई होप ये सब बातें आप लोगों को पता थी, तो आपको रिफ्रेश हो गया होगा, नहीं पता थे तो पता चला होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे इस काम को अगर आप पसंद आता है तो मेरे काम को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोलकाता वासी हो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार। अभी मैं आ रहा था कॉलेज से, सोचा बस पकड़ूंगा, लेकिन जैसे हावड़ा को देखा, यहाँ पे तो हावड़ा की पूरा लाइट जला हुआ है, रात को हर दिन नहीं जलता है, कभी कभी जलता है। यहाँ तो बहुत ही नया टाइप का लाइट लगा है, हर बार चेंज हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत मस्त है भाई। आपको याद जो लाइट चेंज कर रहा था सब मिल के, ये एक्चुअली लाइट पूरा ब्रिज का चेंज हो रहा था, जो कि अभी आप देख सकते हैं विजिबल है, पूरा नया लाइट लगा है ब्रिज में, बहुत ही मस्त बन रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मस्त है भाई, एक बहुत ही बढ़िया काम हुआ है बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बोल रहा था वो गुटखा की वजह से कैसे ब्रिज में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट ने गुटखा ही बैन कर दिया पूरे स्टेट में। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना होगा, वैसे एक अच्छा कदम है, हैट्स ऑफ। बस गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। हावड़ा ब्रिज अपना एक बहुत ही बढ़िया हेरिटेज है, उम्मीद करता हूँ मैंने उसको बहुत ही अच्छे से दिखाने की आपको कोशिश की है हर एंगल से, और इस एंगल से मैं फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में कुछ खास आने वाला है वीडियो, वेट कीजिए तब तक। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।